जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास साथ में, क्योंकि एनसीएम सीआरपीएफ एनसीएम की जो वैकेंसी है इसको लेकर काफ़ी दिनों से मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने एनसीएम की वैकेंसी बताई थी, उसकी कब क्या अपडेट है, कब वो वैकेंसी हो रही है। मार्च में होने वाली वैकेंसी थी लेकिन अभी तक उसकी कोई सूचना नहीं है। थर्ड वीक चल रहा है मार्च का और मैंने लास्ट वीक तक बताया था कि मार्च के लास्ट वीक तक इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी या आपको अपडेट मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सीआरपीएफ एनसीएम की वैकेंसी की पूरी अपडेट देने वाला हूं कि कब इसके एग्ज़ाम होंगे, कैसे कब इसकी नोटिफिकेशन आएगी, कब इसका फिजिकल, कब मेडिकल और क्या क्या होता है। दोस्तों इन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इस वैकेंसी के लिए जो क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन एलिजिबल है, क्योंकि उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी जानकारियाँ उन लोगों के लिए जरूरी है जो इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, फिर इसका क्राइटेरिया, इसकी जो जो प्रोसेस है वो उसके बाद हम बात करेंगे इसकी कि इसकी क्या क्या जो बिग न्यूज़ है, क्या अपडेट है, क्या इसका जो नया नोटिस है मेरे पास में या जो नया नोटिस इसका आया है उसके बारे में कि ये वैकेंसी कब तक होगी, क्या क्या इसकी प्रोसेस होगी उसके बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको करना ही है। दूसरी बात, जिन बच्चों के मेडिकल और फिजिकल में प्रॉब्लम आती है, कोई भी हो जिनकी मेडिकल या फिजिकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको डर है मेडिकल या फिजिकल का, तो दोस्तों मेरा एक चैनल मैंने नया बनाया है स्पेशली मेडिकल और फिजिकल के लिए। वहाँ पर मैं आपको फिजिकल टेस्ट भी दूंगा, फिजिकल कैसे तैयार करना है टेस्ट टोटल जानकारी मिलेगी। उस चैनल का नाम है कमांडो फिजिकल टिप्स, कमांडो फिजिकल टिप्स, कमांडो फिजिकल टिप्स। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो स्मॉल अल्फ़ाबेट बिग अल्फ़ाबेट में आप सर्च करना कमांडो फिजिकल टिप्स, तो आपको ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर वीडियो आने वाला, साथ में लाइव भी रहूँगा, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम रहेगी वो डेली वहाँ पर सॉल्व करूँगा मैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीएफ एनसीएम की वैकेंसी का जो क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपको इसमें 12th पास आपका होना बहुत ज़रूरी है, 12th पास बच्चे ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो एज का क्राइटेरिया दोस्तों 18 से 25 साल, यानी एज में काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है उन लोगों के लिए जो एसएससी जीडी में रह गए हैं या आर्मी में रह गए हैं या आरपीएफ में रह गए। तो दोस्तों 18 से 25 साल, और इस बार ईयर में छूट भी मिल सकती है कोरोना काल की वजह से एक साल की, यानी तो भी अगर नहीं भी मिलती है तो 18 से 25 साल आपका इसका एज क्राइटेरिया। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एससी को 5 साल की, यानी अगर कोई बच्चा एससी एसटी में आता तो 18 से 30 साल, ओबीसी में आता तो 18 से 28 साल, यानी 10-10 साल 12-12 साल का एज क्राइटेरिया मिल रहा है, बहुत ही अच्छा एज क्राइटेरिया मिल रहा है। 12th पास की वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले आपका होता है फिजिकल। दोस्तों फिजिकल में सबसे खास बात क्या है इसकी, तो सबसे खास बात यही है आप सभी के लिए कि इसका जो फिजिकल होता है उसमें रनिंग नहीं होती, यानी आपका वेट, चेस्ट और वजन आपका हो जाएगा, चेस्ट हो जाएगा चेक, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता उसी समय, ठीक है। और हाइट, यानी आपकी जो हाइट कैटेगरी है 162 है नॉर्मल, एससी एसटी को छूट दी गई है, कई स्टेट में और भी हाइट में छूट दी है, लड़कियों के लिए 152 के समथिंग है तो हाइट में भी काफ़ी अच्छी छूट है, लड़कों को भी हाइट में काफ़ी अच्छी छूट मिल जाती है, यानी इसका फिजिकल पास करना बहुत ही आसान है। आगे मैं बताऊंगा। फिर इसके जो अगला पड़ाव होता है वो होता है रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम में इसमें 225 नंबर के क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो किस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन दोस्तों, 50-50 क्वेश्चन आते हैं इसके, हिंदी इंग्लिश 50, 50 रीजनिंग, 50 मैथ और 50 जीके, ठीक है। ये हो गए 200 क्वेश्चन। इसमें आपको लगभग 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में 25 नंबर का इसमें एक पैराग्राफ होता है, उसमें आपको एक लेटर लिखना होता है, एक ऐसे लिखना होता है आपने जैसे 10th क्लास में लिखा होगा, 12th क्लास की जब हम पेपर देने जाते हैं इंग्लिश के पेपर में आता है, लेटर भी आता है और ऐसे भी आता है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों राइटिंग में इसको लिख सकते हो, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है कि आपको इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में, आप हिंदी और इंग्लिश में अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ऐसे का टॉपिक वहाँ पर आपको दिया जाएगा, उस टॉपिक पर आपको ऐसे और लेटर लिखना है, ठीक है। अब कोई हार्ड टॉपिक एनडीए की तरह नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल इजी दिया जाएगा, उसमें आपकी विशेष रूप से आपकी त्रुटियां देखी जाएगी कि क्या क्या आप रॉन्ग गलतियां कर रहे हैं, आपकी हैंड राइटिंग देखी जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट देखा जाएगा और किस तरीके से आप लिखते हो। तो इसमें 15 नंबर का तो हो जाता है आपका एसे और 10 नंबर का होता है आपका लेटर। इस 25 नंबर में से आपके 5 नंबर होते हैं राइटिंग के, 5 नंबर होते हैं आपके कॉन्सेप्ट के,
पांच नंबर आपकी त्रुटियों की और 10 नंबर आपके ओवरऑल कि आपने किस प्रकार से उसको लिखा है, किस प्रकार से दोनों को अरेंजमेंट किया है और क्या आपका टॉपिक रहा है उसको कि आपने कितना सेटिस्फाइड किया है। तो ये कुल मिलाकर आपके 225 नंबर का इसका क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इसमें सुविधा आपको ये मिल जाती है कि 50 नंबर आपको SSGD की तरह तैयारी करनी है और इसकी तैयारी में शुरुआत करने वाला हूँ। आप सभी को पता है मेरे कमांडो अकेडमी जो चैनल है उस पर इसकी तैयारी अब शुरू हो गई है, मतलब ऑनलाइन क्लास आपको मिल जाएगी SSGD की, तो आप इसकी भी वहाँ पर तैयारी कर सकते हो। NCM की तो वहाँ पर क्लासेस शुरू हो रही है। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ कर लीजिए, वहाँ प्रोजेक्टर से हर रोज़ आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी हर एक सब्जेक्ट की लाइव फ्री में। तो दोस्तों ये इसका क्राइटेरिया हो गया रिटर्न का। इसके बाद में इसमें होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। तो जो बच्चा टाइपिंग टेस्ट होता है, आप सभी को पता है इंग्लिश में जो टाइपिंग है वो आपकी है 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट। तो ये इसका हो जाता है आपका टाइपिंग टेस्ट। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, इसकी मेरिट लो रहने का सबसे बड़ा रीज़न है टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वेट करते रहते हैं कि कब पेपर का रिजल्ट आएगा फिर मैं टाइपिंग करने जाऊंगा, ठीक है। और इसका जब पेपर का रिजल्ट आता है उसके 10 या 15 दिन के अंदर ही आप टाइपिंग के लिए बच्चों को बुलाना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का जल्दी नंबर आ जाने की वजह से वो टाइपिंग में पास नहीं हो पाते, इसी कारण इसकी मेरिट काफ़ी नीचे रह जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी तैयारी कर रहे हो NCM की तो टाइपिंग हमेशा अभी से शुरू करनी है आपको, ठीक है। इसके बाद में फिर इसका होता है मेडिकल। जो बच्चे टाइपिंग टेस्ट पास कर लेते हैं फिर उनकी मेरिट बनके फिर होता है मेडिकल। मेडिकल इसका सामान्य होता है आपकी 6x6 और 6x9 दोनों आई चल जाती है। कई चीज़ों में जो आर्मी या SSGD का फिजिकल होता है उससे भी थोड़ा सा लो फिजिकल मेडिकल होता है इसका, तो मतलब काफ़ी सारी आपको छूट मिल जाती है दोस्तों इसमें, तो आप पास करते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों वैसे से इसकी नोटिफिकेशन मार्च के 3rd वीक या 4th वीक में इसकी अपडेट थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में CRPF डिपार्टमेंटली NCM की वैकेंसी भी निकाल रहा है। तो CRPF की तरफ से NCM डिपार्टमेंटली और बाहर दोनों की वैकेंसी एक साथ हो सकती है, तो उसकी नोटिफिकेशन उसका नोटिस है अप्रैल का, यानी अप्रैल के 2nd वीक तक आपको नोटिफिकेशन या 3rd वीक तक इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी CRPF NCM की। तो डिपार्टमेंटली एग्जाम भी SCM का शुरू हो गया है CRPF में, और अब ये भी आने वाला, तो डिपार्टमेंटली अभी GD का है, NCM का नहीं आया, मिनिस्ट्री का नहीं आया, अप्रैल महीने में आने वाला है दोस्तों उसका नोटिस, मतलब सर्कुलर हो रहा है, मतलब आंतरिक रूप से डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो उसके हिसाब से आपकी वैकेंसी भी अप्रैल महीने में आ सकती है, नोटिफिकेशन इसकी आ सकती है। इसके एग्ज़ाम अगस्त महीने में होने के पूरे पूरे चांस है कि आपके इसके एग्ज़ाम अगस्त महीने में होंगे दोस्तों। उसके बाद में आप सभी को पता है टाइपिंग में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर उसकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है, या आपका फिजिकल यानी अगस्त से पहले पहले आपका फिजिकल होने के काफ़ी चांसेस है। अगस्त महीने में आपको इसका रिटर्न एग्जाम कराने के कयास चल रहे हैं। तो जितने भी बच्चे NCM की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बोल दूँ कि आप जोरों शोर से तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों, और मेडिकल में फिजिकल की मैं आपको कोई प्रॉब्लम मैंने बता दिया नए चैनल के बारे में। और जो बच्चे कमांडो अकेडमी चैनल से नहीं जुड़े मेरे तो उसे ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि उस पर मैं अब हर रोज़ लाइव बातें करता हूँ सभी से, सभी दोस्तों से हर रोज़ कुछ ना कुछ उनको टिप्स देता हूँ तैयारी करने के बारे में, और भी नई नई बहुत सारी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन आपको या तो अप्रैल की 2nd वीक या 3rd वीक तक आपकी इसकी नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि लेट हो गई थी मार्च में आने का इसका नोटिस भी है, और अप्रैल महीने में। अब आपको नोटिस देखना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका नोटिस भी भेज दूंगा दोस्तों। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जो भी बच्चे तैयारी करने वाले तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसकी वैकेंसी अप्रैल महीने में नोटिफिकेशन आनी, इसके एग्ज़ाम अगस्त के आसपास होने। तो जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं NCM की उनके लिए अच्छी खबर आने वाली है अप्रैल महीने में, पूरी नोटिफिकेशन